Good morning class, this is our new pharmacology class in which today we will study about the anti-malarial drugs or the drugs which used to treat the malarial disease which is common among the Indians. मलेरिया आप पढ़ चुके वैसे तो स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो तो ये तो काफ़ी इजी सा टॉपिक है आपको अच्छे से आता है. ये मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन होता है जो कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि प्लाज्मोडियम से इन्फेक्ट होती है उसके बाइट करने से ये फैलता है. ह्यूमंस में इसके चार स्पीसी से देखने को मिल रहा होता है ये मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओवेली, फैल्सिपैलम और मलेरी से. बाकी तीन को टर्शियन और मलेरी को क्वार्टियन मलेरिया अपन कहते हैं. लाइफ साइकिल आप अच्छे तरह से जानते हो भाई. ये जो मच्छर है अपनी, ये प्लाज्मोडियम जो है अपनी लाइफ साइकिल आधी तो ह्यूमन होस्ट के अंदर और आधी मच्छर के अंदर अपनी कंप्लीट करता है. तो ये अलग अलग स्टेजेस, एनोफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया, उसको स्पोरोजॉइट्स रिलीज हुए, रिलीज होकर के ह्यूमन में गए स्पोरोजॉइट्स, तो उसकी लीवर में गए, हिपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट किया, हिपेटिक शाइजोंट बनाया, फिर ये हिपेटिक सेल्स रप्चर हो गई तो ये शाइजोंट रिलीज हुए, मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट हुए. अब इराइथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगी, लाल लाल रंग की आरबीसी के अंदर ये घुस गई तो आरबीसी को उसने इन्फेक्ट किया. इसको अर्ली ट्रोफोजॉइट स्टेज कहते हैं क्योंकि रिंग फॉर्म बना लेती है, फिर रिंग फॉर्म और बड़ी होती है तो लेट ट्रोफोजॉइट स्टेज होती है, फिर ब्लड के अंदर सारे ये ट्रोफोजॉइट्स भर जाते हैं, ये ब्लड स्टेज है. इसमें क्विनोलोन डेरिवेटिव्स ड्रग्स दी जाती है भाई, एंटी फॉलेट दे सकते हैं, एंटी माइक्रोबायोटा दे सकते हैं, आर्टेमिसिन दे सकते हैं, डेरिवेटिव्स दे सकते हैं, ये मेडिसिन यहाँ दे सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि यहाँ ब्लड सेल में जब ये भर जाते हो ब्लड सेल रप्चर होती है, फिर वायरस का ये जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन है वो फैलता है. इसके अलावा ये आधी इसने ऐसे किया और आधी जो सेल्स होती है वो गैमेटोसाइट्स बनाती हैं, गैमेट्स बनाती है, मेल और फीमेल गैमेट, और हमारे पेरिफेरल में चली जाती है. इस दौरान अपन प्राइमाक्विन नाम की ड्रग दे सकते हैं या आर्टेमिसिन डेरिवेटिव्स दे सकते हैं. तो अब जब ये हमारे पेरिफेरल में चली जाएगी तो मच्छर दोबारा काटेगा तो ये मच्छर के पेट में चली जाएगी और फिर मच्छर के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगी. मच्छर इसका डेफिनेटिव हॉस्ट होता है और ह्यूमन इसका इंटरमीडिएट हॉस्ट होता है. इंटरमीडिएट हॉस्ट का मतलब है इसके अंदर कौन सी साइकिल चलती है भाई, ए सेक्सुअल साइकिल ह्यूमन में और सेक्सुअल साइकिल मच्छर में चलती है. यहाँ पर दिखाया गया है गैमेटोसाइट्स फ्यूज हुए, स्पोरोजॉइट्स डेवलप हुआ, ये मच्छर वाली साइकिल दिखाई गई है. यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ये अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है भैया, ब्लड सेल में ह्यूमन में चल रहा है. ब्लड मील के दौरान मच्छर ने लिया, कैपिलरी स्पोरोजॉइट्स उसके अंदर घुस गए. अब क्लासिफिकेशन देखे भाई एंटी मलेरियल ड्रग का, 4-अमाइनोक्विनोलॉन पहली क्लास है जिसमें क्लोरोक्विन, एमोडियाक्विन, पापेराक्विन आती हैं. सेकेंड है क्विनोलॉन मीथेनॉल जिसमें मेफ्लोक्विन आती है. थर्ड सिनकोना एल्केलॉइड जिसमें क्विनिन और क्विनिडिन आती है. फोर्थ बाइगुएनाइड जिसमें प्रोगुआनिल और क्लोप्रोगुआनिल आती हैं. फिफ्थ है डाई अमीनो पायरिमिडिन जिसमें पायरमेथामिन आती हैं. सिक्स्थ है 8-अमाइनोक्विनोलिन जिसमें प्राइमाक्विन और टेफिनोक्विन आती हैं. सेवन्थ है सल्फोनामाइड और सल्फोन जिसमें सल्फाडॉक्सिन, डैप्सन, सल्फामीथोपाइराजिन ड्रग्स आती हैं. तो ये क्लास. इसके अलावा 8th एंटीबायोटिक्स भी अपन दे सकते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन. 9th में सेसक्विटर्पिन लैक्टोन्स दे सकते हैं जैसे आर्टिसनेट, मीथर और आर्टर आर्ट्रियोलेन वगैरह. 10th अमाइनो एल्कोहल जैसे कि हेलोफेंट्राइन, ल्यूमिफेंट्राइन दे सकते हैं. 11th ये नई कैटेगरी है ड्रग की नेफ्थायरिडिन जिसमें हम पायरोनारेनेडिन देते हैं. और 12th नेफ्थोक्विनोन जिसमें एटोवाक्वैन ड्रग्स आती हैं. अब एंटी मलेरियल थेरेपी देखो हम इस किस किस तरीके से दे सकते हैं. कॉजल प्रोफाइल एक्सेस और सप्रेसिव प्रोफाइल एक्सेस के रूप में दे सकते हैं. कॉजल प्रोफाइल एक्सेस में हम लीवर सेल में जो पैरासाइट है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको इराइथ्रोसाइट में जाने से रोकते हैं. जैसे कि कौन सी ड्रग्स, प्राइमाक्विन और प्रोगुआनिल. दूसरा सप्रेसिव प्रोफाइल एक्सेस में इराइथ्रोसाइटिक फेज को हम सप्रेस कर देते हैं जिससे कि मलेरियल फीवर का अटैक नहीं होता.
प्रोफाइलैक्टिक के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स? क्लोरोक्विन, प्रोगुआनिल, मेफ्लोक्विन और डॉक्सीसाइक्लिन। थर्ड, क्लिनिकल क्योर के लिए कुछ ड्रग्स लेते हैं, जैसे इराइथ्रोसाइटिक शाइजोंटीसाइड, जो कि इराइथ्रोसाइट के शाइजोंट्स को किल कर देती है। तो मलेरियल फीवर का एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है इस ड्रग से। इसमें फास्ट एक्टिंग और स्लो एक्टिंग, फास्ट एक्टिंग की हाई एफिकेसी, स्लो एक्टिंग की ऑब्वियसली लो एफिकेसी ड्रग्स आती है इसके अंदर। फास्ट एक्टिंग क्लोरोक्विन, क्विनीन, मेफ्लोक्विन, एटोवाक्वान और आर्ट्रेमेसिनिन ड्रग्स आती हैं। स्लो एक्टिंग में प्रोगुआनिल, पायरेमिथामाइन, सल्फोनामाइड और टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स आती हैं। अब रेडियल क्यूरेटिव फोर्थ है। इसमें सभी फॉर्म्स जो हैं वाइवेक्स और ओवे, लेकिन उनको बॉडी से निकालने के लिए ड्रग्स काम में आती है। इसमें सप्रेसिव ड्रग्स और हिप्नोजोइटोसाइडल ड्रग्स भी देते हैं। वाइवेक्स रेपन प्राइमाक्विन 15 mg डेली 14 दिन तक देनी होती है। नेक्स्ट है गैमेटोसाइडल, ये गैमेटोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करती है और इनके ट्रांसमिशन को रोकती है। इसमें प्राइमाक्विन, आर्टेमिसिनिन ड्रग्स आती हैं जो सभी प्लाज्मोडिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव है। क्लोरोक्विन और क्विनिन वाइवेक्स के लिए इफेक्टिव है। प्रोगुआनिल और पायरेमिथामाइन ये स्पोरोजाइट्स के डेवलपमेंट को रोकती हैं। नेक्स्ट ड्रग है क्लोरोक्विन। 1934 में जर्मन में ये बनाई गई थी। डी और एल इसके आइसोमर्स हैं। डी आइसोमर थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है। क्लोरोक्विन जो है मैक्सिमल एंटी मल एफिकेसी रखती है। इसकी जो 7th पोजीशन है, रैपिडली इराइथ्रोसाइटिक शाइजोंटोसाइड की तरह एक्ट कर रही है, मतलब इराइथ्रोसाइट के शाइजोंट्स को किल कर रही होती है, प्लाज्मोडियम की सभी स्पीसीज के शाइजोंट्स को। तो काफ़ी इफेक्टिव है, ऑब्वियस है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन यूटिलाइज हो जाता है मलेरियल पैरासाइट के द्वारा, हीम हाईली टॉक्सिक है मलेरिया के लिए, मलेरियल पैरासाइट के लिए। क्लोरोक्विन, क्विनिन, मेफ्लोक्सिन की एब्सेंस में हीमोजोइन नॉन टॉक्सिक है प्लाज्मोडियम में। हीम पॉलीमरेज के साथ में ये एक्शन इसका दिखाया गया। इस तरह से ये अपना एक्ट करती है कि ये ड्रग्स जो है इसको इनिबिट कर देती हैं। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंटी मलेरियल ड्रग जो है इराइथ्रोसाइटिक फॉर्म जो वाइवेक्स, ओवेली, मलेरी वगैरह है उसके लिए काफ़ी हाई मानी जाती है, और फैलसीपैराम इसके लिए काफ़ी सेंसिटिव है। गैमेटोसाइट्स के लिए वाइवेक्स, मलेरिया, ओवेली में पाई जाती है, पर ये टिश्यू साइजोंट के लिए एक्टिविटी नहीं रखती। दूसरे पैरासाइट जैसे जियार्डिया, टीनिया और हिपेटिक अमीबा के लिए भी काफ़ी अच्छी मान जाती है। जियार्डिया से जियार्डियासिस, टीनिया से टीनियासिस और अमीबा से हिपेटिक अमीबायसिस में भी हम ये ड्रग जो है वो दे सकते हैं। खाली मलेरिया में ही काम की नहीं है ये, क्लोरोक्विन और भी जगह पर काम आती है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इसका होता है, लोकल इरिटेंट भी है ये, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में काम में ले सकते हैं। ये स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है पर थोड़ा वीकली करती है। एंटी हिस्टामिनिक एक्शन भी ये दिखाती है और एंटी एरिथमेटिक भी ये ड्रग्स होती हैं। तो इतने सारे इसके यूज़ हैं भाई। देखिए फार्माकोकाइनेटिक में ये काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन की 2 से 5 घंटे में पहुँच जाती है। 60% प्रोटीन से ये बाउंड होती है। लिवर, स्प्लीन, किडनी, लंग्स और ल्यूकोसाइट्स के अंदर ये कंसंट्रेटेड रहती है। सेलेक्टिवली ये रेटिना में एक्यूमुलेट होती है, तो इस वजह से ये ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी कॉज करेगी भाई, आंखों के लिए नुकसान करेगी, रेटिना में एक्यूमुलेट हो चुकी है। हाफ लाइफ इसकी 3 से 10 दिन तक होती है, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते में ही इंक्रीज हो जाता है इसका अमाउंट। एडवर्स, ये वेल टॉलरेशन कॉज कर देती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेफ है ये अगर प्रॉपर डोज में ली जाती है तो। एक्यूट क्लोरोक्विन टॉक्सिटी देखी गई है जो फ्रीक्वेंटली इस ड्रग को ले रहे होते हैं, जब थेरापेटिक या हाई डोज इसकी ले ली जाती है बहुत तेज़ी के साथ में पैरेंटल रूट से, तो ये टॉक्सिटी कॉज करती है। फ्रीक्वेंटली साइड इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, जी घबराएगा, पेट खराब रहने लगेगा, सर में दर्द हो जाएगा, रेटिना में क्योंकि मैंने कहा था ये जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो ये दिखाई देने में प्रॉब्लम कॉज कर देगी। अर्टिकेरिया कॉज हो जाता है स्किन के अंदर, स्किन का डिसऑर्डर है और खुजली मचने लग जाती है। अफ्रीकन्स के अंदर ऐसा कॉमनली देखा गया। क्लोरोक्विन अगर लंबे समय तक लेते हैं सप्रेसिव डोजेस के साथ में तो ओकेजनली इसके साइड इफेक्ट जैसे कि हेडेक, धुंधला दिखाई देना, डाइप्लोबिया, कन्फ्यूज़न, दौरे पड़ना,
हेयर्स का कलर चेंज हो जाना, QRS वाइडन, QRS जो इंटरवल होता है हमारे हार्ट का वो चेंज हो जाना, टी वेव में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सूर्यास्टिस के पेशेंट को ये नहीं देना चाहिए, पोरफाइरिया के रूप में नहीं देना चाहिए, रेटिनल विजुअल फील्ड की एबनॉर्मेलिटी हो, किसी को मायोपैथी हो तो नहीं देनी चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम कंटेनिंग जो एंटा एसिड्स हैं उनके साथ में नहीं देनी चाहिए। क्लोरोक्विन का यूज़ मलेरिया के लिए, इंटेस्टाइन के अमीबा, इंटेस्टाइन के अलावा जो अमीबा का इन्फेक्शन है उसके लिए, जैसे हिपैटिक वगैरह में, आरए में, डिस्कॉइड ल्यूपस एराइथ्रोमैटोसिस किसी को हुआ हो, लैप्रा रिएक्शन हुई हो, या फोटोजेनिक रिएक्शन लाइट से रिएक्शंस हो जाती हैं तो उसमें भी अपन ये दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है एमोडायाक्विन AQ, ऑलमोस्ट क्लोरोक्विन के जैसी होती है, सस्ती होती है, टॉक्सिटी भी इसकी कम होती है, इसलिए CQ रेजिस्टेंट जिनमें हो जाता है फैलसीपैरम वाले इन्फेक्शन में तो ये ड्रग अपन दे सकते हैं। इसकी टॉक्सिटीज़ में ए ग्रेनुलोसाइट, ए प्लास्टिक एनीमिया और हिपैटोटॉक्सिटी देखने को मिल रही होती है। कीमो प्रोफाइलैक्सिस में कभी भी रिकमेंड नहीं की जाती है। नेक्स्ट ड्रग है मेफ्लोक्विन MQ, वही फैलसीपैरम जो कि CQ के लिए रेजिस्टेंट होता है तो अपन MQ दे सकते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें पता नहीं है पर क्लोरोक्विन के जैसी ऐसा माना जाता है। ओरल एब्जॉर्प्शन इसका अच्छा होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी पीक 18 घंटे में पहुंच जाती है, हाई प्रोटीन बाउंड होता है, एक्सटेंसिवली टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मेफ्लोक्विन MQ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, प्राइमरली ये बाइल में सीक्रेट होती है और एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन में ये चली जाती है। 20 घंटे बाद ये एलिमिनेट हो जाएगी, हाफ लाइफ इसकी 20 घंटे की। एंटी मलेरियल एक्शन, ये स्ट्रॉन्ग ब्लड शाइजेंटोसाइडल है, यानी ब्लड के शाइजेंट को ख़त्म कर देती है फैलसीपैरम और वाइवैक्स के, पर अर्ली हिपैटिक स्टेज पे कोई असर नहीं दिखाती, मैच्योर गैमेटोसाइट पे कोई असर नहीं दिखाती, लेटेंट टिश्यू फॉर्म पर भी असर नहीं दिखाती जो वाइवैक्स में बनते हैं। एडवर्स MQ का क्या इफेक्ट है भाई, मेनली डोज पे डिपेंड कर रहा होता है, हायर डोज के अंदर इसके एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, डायरिया, सर दर्द, साइनस की वजह से ब्रैडीकार्डिया और QT प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। न्यूरोसाइकेटिक डिस्टर्बेंस भी हो जाते हैं, जैसे पर्सन को एंग्जाइटी रहने लग जाती है, हेल्यूसिनेशन में पहुंच जाता है पर्सन, नींद उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, साइकोसिस की कंडीशन आती है, अटैक्सिया भी हो जाता है, इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट। अब MQ का यूज़ कहाँ कर सकते हैं भाई, फैलसीपैरम और वाइवैक्स के लिए, जो वाइवैक्स अगर कोई रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं तो फिर ये काफ़ी अच्छी मान जाती है MQ। प्रोफाइलैक्टिक के रूप में भी अपन काम में ले सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन या सावधानी क्या है भाई, एपिलेप्सी की हिस्ट्री किसी में है, साइकेटिक डिसऑर्डर है, एरिदमिया किसी पेशेंट को है तो नहीं देनी चाहिए दवाई। क्विनेन और क्विनिडिन के साथ में, हेलोफेंट्रिन के साथ में ये मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट ड्रग है क्विनेन, कॉमन सबको नाम इसका पता है, सनकोना ट्रीस की बार्क से हमने इसको डिराइव किया था, क्लोरोक्विन के जैसी मोवा होती है, इराइथोसाइटिक शाइजोंट के ऊपर सभी स्पीसीज के इराइथोसाइटिक शाइजोंट को ये किल कर देती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एंटी मलेरियल एक्शन होता है इसका ऑब्वियस है, ए सेक्सुअल इराइथोसाइटिक फॉर्म्स जो है मच्छर की उसके ऊपर ये एक्ट करती हैं। ये एल्कलॉइड है जो कि गैमेटोसाइडल एक्शन भी, यानी गैमेट्स को भी ख़त्म करेगी, मेल फीमेल जो गैमेट्स है वाइवैक्स या मलेरी के, पर फैलसीपैरम के गैमेट्स के ऊपर ये कोई असर नहीं दिखाती। ये ज़्यादा टॉक्सिव है, कम इफेक्टिव है क्लोरोक्विन के कंपैरिजन में, मलेर पैरासाइट में ससेप्टेबल टू बोथ ड्रग्स, तो बोथ ड्रग्स के जो मलेर पैरासाइट के अगेंस्ट में ये अपन फिर भी दे सकते हैं। लोकल इरिटेंट, कार्डियोवैस्कुलर मिसलिनियस एक्शन भी इसका होता है, पहले तो हमने कहा एंटी मलेरियल एक्शन है एक तो, दूसरा है लोकल इरिटेंट के लिए रूप में, कार्डियोवैस्कुलर के रूप में और मिसलिनियस एक्शन के रूप में भी अपन इसको काम में लेते हैं। लोकल इरिटेंट में इंटेंसली ये बिटर और इरिटेंट होती है, कड़वी भी इरिटेंट भी होती है, इसलिए ओरली देंगे तो नोजिया वॉमिटिंग और एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। इंजेक्शन से पेन कॉज करता है, लोकल नेक्रोसिस भी मसल में कॉज कर देता है और वेन में थ्रोम्बोसिस भी कॉज कर देता है, भाई इंजरी होती है थ्रोम्बस बन जाएगा, थ्रोम्बाई बन जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर में ये मायोकार्डियम को डिप्रेस कर देता है, एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है हार्ट की, कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है, रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाता है, प्रोफाउंड हाइपोटेंशन IV भी पाया जाता है।
मिसिलिनियस सेक्शन में माइल्ड एनाल्जेसिक के रूप में काम में लेते हैं। एंटीपायरेटिक एक्टिविटी बुखार को भी कम करेगी, ये एनाल्जेसिक के रूप में भी होती है थोड़ी बहुत ही है। यूटरन स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करती है। कुरैर माइमेटिक इफेक्ट भी ये दिखाती है, कुरैर को मिमिक करेगी ये ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 70% तक होता है। अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में ये बाइंड होती है। पीक प्लाज्मा लेवल 1 से 3 घंटे में पहुंच जाता है। लिवर में डिग्रेडेशन, लिवर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में मेटाबोलाइज होकर के ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रीट आउट होती है। मेटाबोलाइज होकर के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट के रूप में यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। हाफ लाइफ 10 से 12 घंटे की है। एडवर्स में सिंकोनिज्म, जैसे कान में घंटियां बजना, नोजिया, वॉमिटिंग होने, सर दर्द, मेंटल कंफ्यूजन, चक्कर आना, सुनाई कम देना, दिखाई कम देना, डायरिया हो जाना, फ्लशिंग होना, मार परस्पायरेशन देखने में मिलता है। हायर डोज के ऊपर एग्जैग्रेटेड सिम्टम्स जैसे कि डेलिरियम, बुखार चढ़ना, हार्ट बीट, सांस तेज हो जाना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और साइनोसिस, ही नीला पड़ जाता है। इडियोसिनक्रेसी और हाइपरसेंसिटिविटी भी कॉज करती है ये ड्रग। कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हाइपोटेंशन, बीपी कम और फेटल एरिथमिया हो सकता है। इसके अलावा ब्लैक वाटर फीवर आपने पढ़ा है, द ट्रायड ऑफ मैसिव हीमोलाइसिस। ब्लैक वाटर फीवर में बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस होता है, हीमोग्लोबिनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनली एन्यूरिया हो जाएगा, रिनल फेलियर हो जाएगा और इवन 3/4 केस में तो डेथ भी हो जाती है। और रेयर टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी दिखाई देती है क्विनिन थेरेपी से। यह ब्लैक वाटर फीवर है, इसका यूज़ मलेरिया में ले सकते हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंट फैल्सीपैरा मलेरिया में ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सीवियर मलेरिया में जिसमें सर्बल मलेरिया होता है उसमें ले सकते हैं। नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स हो रहे होते हैं रात के समय, कई बार लेग में क्रैम्पिंग हो रही होती है तो क्विनिन का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोगुआनिल, बॉडी में साइक्लाइज्ड होकर के साइक्लोगुआनिल में कन्वर्ट होती है। साइक्लिक ट्रायजिन मेटाबोलाइट है ये एक। फैलसी पैरा मलेरिया में ये सेंसिटिव है, ये अपनी एक्टिविटी प्राइमरी लीवर स्टेज और एरिथ्रोसाइटिक स्टेज दोनों में दिखाती है, मतलब लीवर और आरबीसी दोनों स्टेजेस में हम ये दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा एरिथ्रोसाइटिक स्टेज जो वाइवेक्स की वजह से उसमें भी अपन ये दे सकते हैं। हाफ लाइफ 16 घंटे का है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रोगुआनिल बाई फंक्शनल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, थायमी डाइलेट सिंथीटेज को इनहिबिट कर देता है सेंसिटिव प्लाज्मोडिया में, और जिससे कि उनका जो डीएनए सिंथेसिस है वो रुक जाएगा और फोलेट को फैक्टर कम हो जाएगा। टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट, प्रोफाइलैक्टिक डोज के अंदर कई बार नोजिया डायरिया देखने को मिलता है। हाई डोज देने पर वॉमिटिंग भी हो जाएगी, पेट में दर्द भी होगा, डायरिया हो जाएगा, यूरिन में ब्लड निकलने लग जाएगा और एपिथेलियल सेल्स और कास्ट भी यूरिन के अंदर दिखाई देने लग जाती हैं। कॉजल प्रोफाइल एक्सेस के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। मेलारॉन में प्रोगुआनिल को एटावाक्वैन के साथ में दिया जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया के केस में अपन ये देते हैं। काफ़ी बड़ा है भाई एंटी मलेरियल टॉपिक, आप थक गए होंगे इतना सुनते सुनते, पर अब क्या करें, जैसा कोर्स है वैसा करना पड़ेगा। जो छोटे टॉपिक्स है वो मैंने 10-10 मिनट में भी ख़त्म किए हैं, अब ये बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ेगा हमें। अब देखिए, पायरीमिथामाइन, डाईअमाइनोपायरिमिडिन ज़्यादा पोटेंट ड्रग है प्रोगुआनिल के कंपैरिजन में, और राइथोसाइटिक फॉर्म सभी स्पीसीज की राइथोसाइटिक फॉर्म के लिए काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है। ये टेस्टलेस है इसलिए बच्चों को अपन दे सकते हैं। इसकी हाफ लाइफ भी साइक्लोगुआनिल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, 2 से 4 दिन, मतलब सॉरी 4 दिन तक इसकी हाफ लाइफ रहती है। ये कॉम्बिनेशन में ही यूज़ की जाती है सल्फोनामाइड या डेप्सोन के साथ में। एडवर्स इवेंट इसके ये थोड़ी सेफ होती है, पर फिर भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ये ग्रैनुलोसाइटोसिस हो सकते हैं अगर इसकी हायर डोज अपन दे दें। नेक्स्ट सल्फाडॉक्सन पायरीमिथामाइन, ये सुपरा एडिटिव सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन की फॉर्म है। अगर पायरीमिथामाइन सिक्वेंशियल ब्लॉक के साथ में अपन सिक्वेंशियल के साथ देते तो ब्लॉक कर देती है एक्चुअली। प्रोफाइल एक्सिस के रूप में इसको कभी यूज़ नहीं किया जाता, सिंगल डोज ट्रीटमेंट होता है अगर अनकॉम्प्लिकेटेड क्लोरोक्विन का रेजिस्टेंट हो गया फैलसी पैरा मलेरिया में।
पेशेंट इनटॉलरेंट होते हैं क्लोरोक्विन में, तब दे सकते हैं अपन। फर्स्ट लाइन थेरेपी है टॉक्सोप्लाज्मोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट प्राइमाक्विन, ये एसेक्सुअल ब्लड स्टेज पैरासाइट के लिए इनएक्टिव होती है। ये डॉर्मेंट लिवर फॉर्म को इरेडिकेट करने के काम में आती हैं। कौन सी लिवर फॉर्म? वाइवेक्स और ओवेली की। ये मार्ड गैमेटोसाइडल इफेक्ट दिखाती हैं प्लाज्मोडिया की चारों स्पीसीज के लिए जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती हैं। हाफ लाइफ 6 से 8 घंटे, यूरिन में ये एक्सक्रीट आउट होती है। हालांकि हमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़्यादा अच्छा पता नहीं है, पर फिर भी ये इलेक्ट्रोफिलिक इंटरमीडिएट को ऑक्सीडेशन रिडक्शन मीडिएटर में कन्वर्ट कर देती है। बस ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। टॉक्सिटी और साइड इफेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो जाता है। तो हमारे को ये ड्रग जो है वो फूड के साथ लेनी चाहिए, तो फिर ये परेशानी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेट हीमोग्लोबिनीमिया, मेट हीमोग्लोबिन का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। प्राइमाक्विन का थेरापेटिक यूज़ या हायर डोज जो है उसकी वजह से एक्यूट हीमोलाइसिस हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है ह्यूमंस में G6PD की डेफिशिएंसी के साथ में। रेडिकल क्योर, अगर हमें एक्यूट वाइवेक्स और ओवल इन्फेक्शन करना है तो हम प्राइमाक्विन को यूज़ कर सकते हैं। वाइवेक्स और ओवल इन्फेक्शन के प्रोफाइलैक्सिस, टर्मिनल प्रोफाइलैक्सिस में काम में लेते हैं। मलेरिया के कीमो प्रोफाइलैक्सिस में, गैमेटोसाइडल एक्शन के लिए, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी इन्फेक्शन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आर्टेमिसिनिन और डेरिवेटिव्स देखिए, ये सिक्वेस्ट्रिप्रिन लैक्टोन एक्सट्रैक्टेड है, एट्रेमेशिया स्पीसी से लिया गया था। ये काफ़ी रैपिड पैरासाइट को क्लियर करता है, फीवर को ठीक करता है, दूसरी जो लाइसेंस एंटी मलेरिया ड्रग है उनके कंपैरिजन में। सीवियर ट्रीटमेंट अगर हमें सीवियर मलेरियल इन्फेक्शन का करना है, फैलसीपैरम वाला, तब भी हम इसको ले सकते हैं। डेरिवेटिव्स में आर्टिस्यूनेट, आर्टेम ईथर है, डाईहाइड्रो आर्टेमिसिनिन ड्रग हम काम में ले सकते हैं। मैकेनिज्म एक्शन कंटेंशियस है, हीम आयरन विद इन द पैरासाइट कैटलाइज क्लीवेज। बस ठीक है, इसके मैकेनिज्म एक्शन कोई जरूरी नहीं है, पैरासाइट को लाइज कर देती है, बस इतना ध्यान रखिए। ये पैरासाइट को लाइज कर देती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डैमेज करती है, पैरासाइट को तोड़ देती है। अब इसमें आर्टिस्यूनेट सोडियम सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होता है इसका, सोडियम सॉल्ट, और ओरली अपन इसको दे सकते हैं, IM और IV रूट से भी दे सकते हैं। पीक प्लाज्मा 60 मिनट तक रहती है, जबकि आर्टेम ईथर जो है ये लिपिड सॉल्युबल है, ओरली दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं। पीक प्लाज्मा 2 से 6 घंटे रहती है, और ये दोनों एक्सटेंसिवली कन्वर्ट हो जाती है डाईहाइड्रो एट्रेमिसिनिन के अंदर। एट्रेमिसिनिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है ये भाई? बहुत कम एडवर्स इफेक्ट दिखाती है, बहुत माइल्ड, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, खुजली, बुखार ड्रग की वजह से और डिजीनेस। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फैलसीपैरम मलेरिया के अनकॉम्प्लिकेटेड फैलसीपैरम मलेरिया को ट्रीट करने के लिए काम में ले सकते हैं, या सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को ट्रीट करने के भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट ड्रग है एटोवाक्वॉन, मेप्रॉन जिसको हम कहते हैं, यह हाइड्रोक्सी नेप्थोक्विनोन है, रैपिडली राइथोसाइटिक शाइजेंटोसाइड के रूप में ये एक्ट करती है प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम और दूसरे प्लाज्मोडिया के लिए। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कोलैप्स हो जाती है और ATP प्रोडक्शन में इंटरफेयर करती है, पायरोडीन बायोसिंथेसिस में भी इंटरफेयर करती है। ये रेजिस्टेंट डेवलप करने को रोकती है भाई। प्रोग्वानिल पोटेंशियल एक्शन ऑफ एटोवाक्वेन, प्रोग्वानिल जो है वो एटोवाक्वेन के एक्शन को पोटेंशिएट करती है और रेजिस्टेंट डेवलप करने को रोकती है। बस इन इन्फेक्शंस टॉक्सोप्लाज्मा न्यूमोसिस्टिस में भी हम इसको काम में ले सकते हैं, पर प्रेगनेंसी में इसको काम में नहीं लिया जाता। बस इसके बाद हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, एंटी मलेरियल टॉपिक हो गया। अब बस केवल एक एंटी कैंसर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट के अंदर बचा है जो लास्ट हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास।